क्या मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? दोस्तों, ये क्वेश्चन कामन रहता है जो यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन पे। मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा कि कैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, कैसे मैं कैमरों को फेस किया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग यादव और आप देख रहे हैं अनुटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आता है कि मैं कौन सी कैटेगरी का वीडियो बनाऊं। जैसे कि मैं अपना बताता हूं, मैंने कैसे अपना कैटेगरी चॉइस किया। मुझे दोस्तों बचपन से ही शौक था टेक्निकल और कंप्यूटर आईटी में, तो मैंने इसलिए चैनल बनाया कि मैं रोज़ कुछ नया सीखूंगा और आपको कुछ नया दूंगा। इसलिए मैंने टेक्निकल वीडियोज़ बनाना शुरू किया। आपको कैटेगरी आपको वही चॉइस करनी है जो आपका दिल चाहता है। तो इसमें आपको कैटेगरी चॉइस हो गई। अब इसके बाद आता है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने की जैसे आप देखते होंगे, जो भी आप टॉपिक चूज़ करते हैं उसमें आप पहले, आप अभी तक जितना पढ़े होंगे उसमें आप ऐसे लिखे होंगे। तो ऐसे आप क्या करता है, अपने से लिखते हैं, जो अपने दिमाग में आता है वही लिखते हैं। तो आप पहले तो उसको तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो दिमाग में आता है उसे अपने से लिखते हैं एग्जाम में। तो ऐसे आपको लिख लेना है। अब उसको करना क्या है कि आप अब कैसे कैमरे के सामने आएँ और कैसे बोलें। तो कैमरे के सामने आने के लिए दोस्तों, मैं बता दूँ कि रूम आपका बंद रहना है, रूम में कोई नहीं है, आपको ऐसे पढ़ना है। और कंडीशन एक है कि आपके सामने आपका मोबाइल है, मोबाइल या आपका कैमरा है, तो कैमरे के सामने आपको बोलना है। तो अब आपको करना क्या है कि कैमरे को कैसे फेस करें। मैं मानता हूँ कि कैमरे को फर्स्ट टाइम फेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। मैं आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, मुझे आई बटन में मैं दे रखा है, तो उससे आप देख सकते हैं मैंने उसमें बोया M1 माइक का अनबॉक्सिंग किया था। तो आप देख सकते हैं मुझे स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन लास्ट जाते जाते काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, लेकिन ये मेरा थर्ड वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ है प्रॉब्लम, बट काफ़ी अच्छे से मैं बोल पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक सिंपल सा फार्मूला लगाया हूँ। जैसे कि कैमरा आपके पास, जैसे कैमरा नहीं है तो आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कैमरे के लिए, ठीक है। तो कैमरे में आपको, जैसे अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल से आप क्यों डर रहे हैं? मोबाइल आपके पास हमेशा, आप अपना मोबाइल लिए रहते हैं, तो मोबाइल से क्या डरना, जो आपकी हर बातों को जानता है। आप कब सोते हैं, कब पढ़ते हैं, कब उठते हैं, सब कुछ मोबाइल आपका जानता है। आपका बैंक बैलेंस सब कुछ मोबाइल जानता है, तो मोबाइल से क्यों डरना? तो मोबाइल से बिल्कुल भी ना डरें। और मेन जो होता है कि कैमरे को कैसे फेस करना है, तो मोबाइल का कैमरा है, मोबाइल आपके सामने, अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं, और क्या, मोबाइल को जो अपना समझाना है मोबाइल को समझा रहे हैं और उसी से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैमरे से बिल्कुल भी ना डरें और बेझिझक अपना वीडियो बनाना शुरू करें। तो ये हो गया कैमरे के सामने बोलने का। और दोस्तों, ये सब बिल्कुल छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लाखों करोड़ों सपनों को डेली तोड़ रहा है। तो आपको लोग क्या कहेंगे इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आप जौन सी कैटेगरी चूज़ किए हैं, जो उसको आप बेझिझक बोलिए और अपना वीडियो तैयार कीजिए। और स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए आप अच्छा सा खूब दिमाग लगा के ऐसे लिखिए, और ऐसे की तरह ही अपना टॉपिक पे लिखिए और उसे तैयार कीजिए, फिर उसके बाद उसे बोलिए। तो दोस्तों, आपको तीन काम करना है। पहले आपका कैटेगरी चॉइस करनी है, आप कौन सी कैटेगरी चॉइस करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि कैमरा, अगर आपको बात करें सेटअप का कि क्या 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 आपको लेना होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आपके पास केवल मोबाइल है तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका मोबाइल कैमरा के लिए भी काम आ सकता है, वीडियो एडिट के लिए भी आपका मोबाइल काफ़ी है। और आपको मोबाइल सेट करने की बात करें तो आप कहीं पे भी अपना मोबाइल सेट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा कोई ये नहीं कि काफ़ी उसके लिए सेटअप बनाना पड़े। आप छोटा सा भी कोई अपना घर का कोना ले सकते हैं, कहीं पे भी जाके आप वीडियो बना सकते हैं। तो वो हो गया आपका बैकग्राउंड। अब ज़रूरत है आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देने की, आप कैसा कंटेंट दे पा रहे हैं अपने ऑडियंस को। तो आपको ऑडियंस को अपना अच्छा सा कंटेंट देना है। और आपको, आप ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मैं फेस नहीं कर पाऊँगा कैमरे को और कैमरे पे मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।